एक ब्रॉड कंडीशन uh, है एक ब्रॉड लेवल है जिसके जिसको हम कैटेगराइज करते हैं अगर किसी बच्चे में सोशल स्किल्स लैकिंग जा रहा है इफ द चाइल्ड इज हैविंग एनी काइंड ऑफ रिपीटेटिव बिहेवियर चाहे वो फिजिकल रिपीटेटिव बिहेवियर हो चाहे वो स्पीच से रिलेटेड रिपीटेटिव बिहेवियर हो इकोलेलिया हो और एल्स चाइल्ड कैन बी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब उनके अंदर एक गेस्टर्स uh, के थ्रू अपने आप को कम्युनिकेट करने की जो एक कंडीशन uh, जो होती है दैट इज दिस्टिक फीचर ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर सो यहाँ पे ऑटिज्म को uh, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड बोथ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पे आ, हम अगर बोले तो हमको पता होता है कि कुछ भी मेडिकल कंडीशंस होती है यहाँ पे जैसे कि किसी बच्चे को जेनेटल सॉरी गैस्ट्रो गैस्ट्रो डिसऑर्डर हो सकता है चाइल्ड कैन हैव हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ़ सीज़र्स। सीज़र्स उसको की हो सकती है मतलब झटके की बीमारी का हिस्ट्री बचपन में देखा जा सकता है जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो अर्ली स्टेज में सीज़र्स से डायग्नोसिस डायग्नोस्ड हो जाते हैं जैसे आ, बहुत तेज फीवर आया और वो फीवर ब्रेन में चढ़ गया जिसकी वजह से एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इट इज कॉल्ड झटके की बीमारी तो सीजर्स आर ऑफ़ डिफरेंट काइंड बहुत सारे इसके प्रकार है आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है इसका अर्ली ट्रीटमेंट uh, करना भी बहुत उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हम ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस uh, देना चाह रहे हैं सो सीजर्स का डायग्नोसिस अगर हो गया है और उसकी वजह से ब्रेन uh, का कोई पार्ट uh, अगर इंफेक्ट uh, या उसके इम्पैक्ट में आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारे ब्रेन uh, के जो भी पार्ट उसके उसमें आया है चपलेट में आया है तो उसके वो फंक्शंस uh, थोड़े बहुत टाइम के लिए अफेक्ट uh, होता है और ऑटिज्म में हमने कई बार देखा है बच्चे जो हमारे पास आते हैं तो पेरेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है कि मैम ये रात में सोता नहीं है या आप लोगों आप भी प्रोफेशनल से आप भी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम कर रहे होंगे इन डिफरेंट प्रोफेशंस आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे तो आप लोगों ने भी बहुत बार देखा होगा कि पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो एक बहुत कॉमन इशू रहता है उनके साथ कि हमारा बच्चा रात में सोया नहीं पूरी रात जगाता है पूरी रात हमको डिस्टर्ब करता है उसकी नींद बहुत कच्ची है सो दिस दिस आर इज एन ऑटिज्म का एक डेफिनेशन एक लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अगर हमको इनिशियल लेवल पे किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को हमको justify करना है, Then, the next, जो National Autistic Society है जो ने autism को डिस्क्राइब किया है लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंटल डिजिलिटी विच यहाँ यहां बच्चा बताया गया है कि बच्चा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कैसे अपने आप को रिलेट कर रहा है कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को रिलेट कर रहा है या वो अपने आप को दुनिया में कैसे प्रेजेंट कर रहा है या उसके इर्द गिर्द कौन सी चीजें है कौन सी वस्तु है कौन सा एरिया है कौन से लोग हैं, उनके साथ वो अपने आप को कैसे रिलेट कर रहा है अगर इन सब चीजों में कहीं कमी पाई जाती है देन इट इज बीन रेफर्ड ऑटिस्टिक फीचर सो एक डेफिनेशन uh, उन्होंने दिया है नेशनल ऑटिस्टिक सोसाइटी ने दैट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी That affects how a person communicates with and relates to other people. It also affects how they make sense of the world around them. मतलब उनको uh, अपनी दुनिया में क्या चल रहा है, उनके एडजेड के दुनिया में क्या चल रहा है, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है. Next, I would like to emphasis on the word spectrum. स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है स्पेक्ट्रम मीन्स इट्स एक बीमारी से बहुत सारी और बीमारियों का उजागर होना मतलब ऑटिज्म एक अम्ब्रेला टर्म है उस टर्म से और भी बहुत सारे जो uh, बीमारियां उसके अंदर से uh, निकल के आती है दैट इज वाई हम इसको स्पेक्ट्रम वर्ड से uh, इसको हम रिक्नाइज uh, करते हैं सो दैट इज वाई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजॉर्डर के नाम से इसको हम बोलते हैं अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि एक अम्रिला टर्म है तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आती है जैसे कि यहाँ पे आता है ऑटिज्म के अंदर चाइल्डहुड ऑटिज्म कम्स ऑटिस्टिक डिसऑर्डर हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म सिंड्रोम एंडिपिकल ऑटिज्म एंड पीडीडी सो ये सारी जो टर्म्स है ये सारे टर्म्स उसके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर आते हैं सो ऑटिज्म एफेक्ट्स एन एस्टिमेटेड इन वन इन 59 नाइन चिल्ड्रन पर अभी इसका रेशियो थोड़ा सा और बढ़ गया है यहाँ पे ऑटिज्म के बच्चों में हम देखते हैं आमतौर पर देर आर लॉट्स ऑफ सेंसरी इश्यूज आइदर इधर द चाइल्ड कैन बी हाइपर सेंसिटिव और अ चाइल्ड हैव उनके जो सेंसरी सिस्टम होते हैं हमारे अंदर जो सेंसरी सिस्टम होते हैं जैसे टच स्मेलिंग uh, 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 सुनना कुछ बच्चे होते हैं जिनको लाउड म्यूजिक लाउड वॉइस पसंद नहीं होता है कुछ बच्चे होते हैं जिनको uh, किसी का टच पसंद नहीं होता है दिस आर ऑल सेंसरी इश्यूज दिस कम्स अंडर सेंसरी प्रॉब्लम कुछ बच्चे जैसे और भी एक सेंसरी

देन ऑटिज्म uh, का जो साइन हमको देखने को मिलता है वो हम टू टू थ्री इयर्स के एज में हम uh, बच्चे मतलब मम्मी पापा इसमें मेनली uh, uh, इसके सिम्टम्स मम्मी पापा को देखने को मिलता है सबसे पहला सिम्टम जो मम्मी पापा को uh, या माता पिता को देखने को मिलता है दैट इज स्पीच डेवलप नहीं होती है तो जब दो से तीन तीन साल के बच्चे में जब स्पीच डेवलप नहीं होती है तो मम्मी थोड़ा परेशान हो जाते माता पिता थोड़े परेशान हो जाते दे रेफर टू एनी साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट वहां से डायग्नोसिस निकल के आता है दैट द चाइल्ड इज बीन डायग्नोज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बट अभी रिसेंटली uh, हम देख रहे हैं दैट अर्ली डायग्नोसिस बहुत कॉमन हो रहा है मींस विद इन एटीन मंथ्स हम प्रिडिक्ट uh, कर पा रहे हैं द चाइल्ड इज लैकिंग इन पर्टिकुलर एरियाज या पर्टिकुलर एस्पेक्ट में हम देख पा रहे हैं कि वो सोशल आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है जैसे हम जब बच्चे जब छोटे रहते हैं तो हम बच्चे को रैटल्स के साथ खिलाने की कोशिश करते हैं हम उनसे नजरों से नजरों मिला के बात करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे क्या होता है बच्चे अपनी आंखों को डाइवर्ट कर लेते हैं या हमसे नजरें नहीं मिलाते हैं या उस रैक्टल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो वहां से आजकल देखिए क्या हो रहा है 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 कि जो जो सोशल मीडिया है, या जो इंटरनेट है, इंटरनेट अपने आप में एक गुरु है तो कुछ माता पिता को इंटरनेट से पता चल जा रहा है कुछ माता पिता को आ, सोशल मीडिया से पता चल जाता है देयर आर लॉट्स ऑफ ऑटिज्म अवेयरनेस कैंप होते हैं तो वहां से आ, आ, कुछ पेरेंट्स को पता चल जाता है तो पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही अवेयर हो गए हैं अपने बच्चे को लेकर इसी वजह से अर्ली डायग्नोसिस आजकल जल्दी अर्ली डायग्नोसिस होता जा रहा है आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ओके yes, ओके yes. okay. yes, yes. okay. yes, okay. अगर कुछ इशू है कोई uh, मतलब जैसे आवाज नहीं आए या मेरा प्लीज लेट मी नो ओके तो हम uh, मैं आपको बताना चाहूंगी ब्रेन के कौन कौन से पार्ट में जब एम आर आई किया जाता है तो एम आर आई करते वक्त एम आर आई जब हमारे सामने आता है तो हम देख सकते हैं कि ब्रेन वेन द चाइल्ड इज बीन डायग्नोज विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम तो कौन कौन से एरिया पार्ट ऑफ द ब्रेन इज बीन कमिंग अंडर इन एम आर आई सो से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों पार्ट भी ब्रेन के आते हैं लोब्स ऑफ द सेब्रम ऑल्सो दिस वेंट्रिकल ऑल्सो कम्स अंडर दिस एंड क्वारेट न्यूक्लियसो कम्स अंडर वेन द एम आर आई ऑफ एन ऑटिस्टिकन ऑटिस्टिक ब्रेन जो रहता है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बताना चाहूंगी देखिए, ये एक डायग्राम है जहाँ पे पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो कि ऑटिज्म से अफेक्टेड रहता है सो so, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सरिबल कॉटेक्स जो है इट इज बीन अफेक्टेड तो यहाँ पे अगर ये वाला एरिया अगर हुआ, तो बच्चे का कौन सा पार्ट या कौन सी चीजेंट होगी मेंटल फंक्शन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा जनरल मूवमेंट विल बी अफेक्टेड द परसेप्शनल रियक्शन बेसल गैंगलियन इफ द बेसल गैंगलियन इज बीन अफेक्टेड it वट इज अ फं बेसलगलियन एक्चुअली रेगुलेट्स मूवमेंट्स तो अगर ऑटोमेटिक मूवमेंट्स अगर बेसल गैंगलिया अगर इफेक्ट हुआ तो ऑटोमेटिकोडो विल गो विदिस्टिक ब्रेन तो यहाँ पे क्या होगा अगर अफेक्ट होगा तो कम्युनिकेशन विथ वन अनादर मतलब आप देख सकते है कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा होता है, तो उन उनमें उन आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन लैकिंग uh, होता है वन टू वन कम्युनिकेशन नहीं करते अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे या दे विल शो अ काइंड ऑफ़ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स लाइक बहुत ज्यादा हैंड फ्लैपिंग करेंगे बहुत ज्यादा उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होगा एंग्शियस हो जाएंगे सो कॉर्पस कैलोसम विल अफेक्ट तो कम्युनिकेशन वन टू वन कम्युनिकेशन विल बी अफेक्टेड देन इफ योर सेरिबेलम इज अफेक्टेड विच इज सिचुएटेड ऑन इन द बैक ऑफ द ब्रेन तो यहां पे अगर सेरिबेलम अफेक्ट होगा तो फंक्शंस क्या-क्या है सेरिबेलम के एज यू ऑल नो as you all are aware of cerebellum ka functions balance coordination fine motor gross motor and our muscles jo bolne mein bolne ke liye jo muscles kaam hote hain that is also been uh, coordinated by cerebellum तो ये सारी चीजें affected होगी. then comes brain stem

देख सकते हैं जो भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनके अंदर अग्रेशन टेंट्रम्स बिहेवियर जो रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है मींस छोटी सी बात पे अग्रेशन देखना मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनको मैं डील कर रही हूँ आ, मेरे क्लिनिक पे वहां पे क्या हो रहा है कि बच्चे एक बच्चा है जब वो शुरू में मेरे पास आया था तो उसने लिटरली मुझे बहुत आ, अग्रेश अग्रेशन या अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया था लाइक उसको नोचने की आदत थी उसको हर बात पे गुस्सा आ जाता था अगर मैं उसको किसी चीज के लिए मना करती थी उसको ना सुनना पसंद नहीं था तो अगर मैं किसी चीज के लिए उसको मना करती थी तो ही द चाइल्ड यूज टू स्लैप मी उसको uh, गुस्सा आ जाता था और वो मुझे uh, एकदम से चाटा लगा देता था सो दिस आर द पार्ट ऑफ अच आर बीन अफेक्टेड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रमर so, uh, क्योंकि उसके अंदर इज बी अन उसको हमने ट्रीट नहीं किया और उसको हमने ऐसे बोल के छोड़ दिया कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो छोड़ देते हैं ये बोल के कि टाइम के साथ वो हील हो जाएगा टाइम के साथ वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ वो बोलने लग जाएगा तो नहीं इट इज नॉट दैट ऑटिज्म शुड बी है should have a proper diagnosis and should have a proper treatment both medical treatment and the uh, OT part or special education or whatever so this all uh, togetherly a autistic बच्चों में बहुत जल्दी improvement लाते हैं लाने के हम कोशिश करते हैं and actually improvement आता है so that is why यहाँ पे अगर untreated रहा autism तो uh, उसके साथ लर्निंग स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यू कैन कम अप विद एडी एडीएचडी कैन आल्सो बी देर एंजाइटी टूरिस्ट सिंड्रोम ओसीडी एस्पर्जो सिंड्रोम सेंसरी इंटीग्रेटिव डिसऑर्डर ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिप्रेशन एंड अटेंशन ये सारी चीजें अगर अनट्रीटेड रहा ऑटिज्म तो ये सारी चीजें होने के चांसेस एडल्टहुड में हो जाता है नाउ ऑटिज्म हैज़

बट दिस पी डी डी एंड सी को कंट्रोल करना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक रहता है emphasize on the history कहाँ से किसने ऑटिज्म को इन्वेंट किया सो सेंचुरी वाइज यू कैन सी दैट ऑटिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय पॉल Eugen इन बिल्यूलर

बहुत स्टडीज किया गया बहुत सारे स्टडीज हुए हैं इसके लिए तो इस कंडीशन को स्पेक्ट्रम इस बीन सेड, बिकॉज़ इन जिन के ऊपर किया गया जिन चार लड़कों के ऊपर इस पे फोकस करके किया गया तो उनमें देखा गया कि सोशल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रही थी इंट्रेक्शन में और उनके इमेजिनेशन पे तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हैज बीन

अपने आप में रहने वाला अपने आप से मतलब रखने वाला सो इट इज बीन कॉइंड इन 1911 बाय अ साइकाट्रिस्ट इगन बेलून बेलुला इन्होंने इस टर्म को डिस्क्राइब किया uh, और धीरे-धीरे उन्होंने उस पे काम करना शुरू किया देन 1943 में कैनर जो कि ऑस्ट्रेलियन साइक्रिस्ट थे अमेरिका uh, uh, इन्होंने uh, इस टर्म को uh, उजागर किया और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ इन्होंने चार ऑटिस्टिक बॉयज पे काम किया एंड देन इसका uh, दुनिया में या लोगों के साथ इंट्रोड्यूस किया गया जर सिंड्रोम जो है आप लोगों ने नाम सुना होगा एस्पर्जर सिंड्रोम का तो ये लॉर्ना विंगी वन विच में इन्होंने कहा गया कि मोर एबल बॉय एसपर्जर है वर्ल्ड वाइड इस नाम से जाना गया एज एन एस्पर्जर सिंड्रोम So this is an of कैसे आया, इसको, आ, उजागर किया किसने इसको नाम दिया और कौन से साल में डेवलप हुआ देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जैसे कि मैंने कहा कि इट्स एन अम्ब्रेला टर्म तो उसके अंदर ये सारी चीजें ये सारे एबिलिटीज डिजॉर्डर्स इसके अंदर आते हैं ओके okay. देन uh, इसके कॉमोरबिट कंडीशन क्या क्या होते हैं देर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ मेंटल इलनेस जैसे कि इसके अंदर एस uh, डी के अंदर आते हैं टूरिथ सिंड्रोम आप लोगों ने अगर हिच की मूवी देखी होगी आप लोगों में से कितने लोगों ने हिच की मूवी देखी है कैन आई नो यस एनिवार मैम चैट में लिख करके आ रहा है उनका माइक को उसके लिए मैंने म्यूट कर ओके सो आई कैन नॉट सी योर चैट राइट नाउ बिकॉज माय पीपीटी विल स्टॉप अदरवाइज तो uh, uh, ज्यादा लोगों ने मैम टाइप किया हुआ है Okay. 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 So, हिचकी मूवी नहीं देखी हैोम uh, uh, जैसे कि बहुत से ए, रानी मुखर्जी ने uh, टूरिथ को रानी मुखर्जी को हिचकी मूवी में टूरिथ सिंड्रोम ना के ना एक डायग्नोसिस हुआ था उसमें uh, चा, चा, का, का, ऐसे बोलने का जो एक सिम्टम है वो आ, उसमें दिखाया गया है तो स्टुरिज सिंड्रोम इज अ कोमोर्बिड कंडीशन इफ एएसटी इज बीन अनट्रीटेड एडीएचडी तो है ही एड व्हाट इज एडीएचडी इट इज एन अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर ओसीडी ओसीडी इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर सो ये अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला तो आगे चलकर ये सारी चीजें डेवलप होने के चांसेस रहते हैं हमारे पास तीन लेवल्स है ऑटिज्म के एक है ए एस टी लेवल वन यहाँ पे हम देखते हैं रिक्वायरिंग सपोर्ट रिक्वायरिंग सपोर्ट मतलब विदाउट सपोर्ट इन प्लेस डेफिशियट इन सोशल कम्युनिकेशन कॉसि नोटिसबल इम्पायरमेंट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत होती है है ना मतलब सोशल कम्युनिकेशन लैकिंग जाता है और देर इज डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग सोशल इंटरेक्शन मतलब सोशल uh, इंटरेक्शन को इनिशिएट करने में दिक्कत होती है उनको uh, और कई बार ये अनसक्सेसफुल रहते हैं सोशल इंटरेक्शन या इनका जो इंटरेस्ट रहता है लोगों के साथ मिलना जुलना जैसे लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है कन्वर्सेशन अगर कोई कर रहा है जैसे जब बच्चा आ, आ, सोशली, जब आ, किसी सोसाइटी में इन्वॉल्व होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन सोसाइटी का होता है बेटा आपका नाम क्या है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो ये जो सोशल इंटरेक्शन होता है यहाँ पे वो कम्युनिकेट करने में उसको इंटरेस्ट डेवलप करने में लोगों के साथ समझने में टाइम लगता है देन ए एस डी लेवल टू यहाँ पे रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल सपोर्ट जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल में प्रॉब्लम रहती है सोशल uh, एम्परमेंट जो है वो एपरेंट रहता है बा, उसके बाद सोशल इंट्रैक्शन काफी लेवल तक लिमिटेड हो जाता है एंड दे गिव अब नमल रिस्पॉन्स टू सोशल सोशली थोड़ा सा रिस्पांस ये लोग कम देते हैं ए लेवल थ्री रिक्वायरिंग वेरी सब्सटेंशियल सपोर्ट यहाँ पे सीवियर डिफिसियट्स होते हैं विथ वर्बल एंड नॉन वर्बल सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट कॉजेज सीवियर इंपेरमेंट इन फंक्शनिंग कॉग्निटिव फंक्शनिंग थोड़ा सा अफेक्टेड रहता है यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड रहता है मतलब ना के बराबर और Uh, तो ये सारे ये जो लेवल्स है ये लेवल हमको आ, बताना पड़ता है कि बच्चा कौन से कैटेगरी या कौन से लेवल में आ, बच्चा आपका ए में आ रहा है अब आप देख सकते हैं एक बच्चा है यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपको पुट अप किया है तो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ बिहेवियर प्रॉब्लम्स में आ, क्या क्या चीजें होती है जैसे कि आप लोग भी डील करते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम केसेस के तो कई बार माता पिता को बोलते हुए सुना होगा कि मैम ये हेयर ब्रश नहीं करता है या हेयर कट नहीं करवाता है नेल्स काटने में बड़ा प्रॉब्लम करता है नेल्स नहीं कटवाता है ओके आई होप आप में से ये सारी चीजें सुन चुके होंगे जैसे जिन बच्चों को हाइपर सेंसिटिविटी टू लाइट रहता है तो वो क्या करते जब भी कोई ब्राइट लाइट उनकी आंखों पे पड़ता है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेंगे या लोगों के ग्रुप में जब उनको डाला जाता है तो दे विल क्लोज देर आइज बातें नहीं करेंगे आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेंगे दे विल क्लोज देअ उसके बाद कुछ बच्चे जो हाइपर सेंसिटिविटी टू साउंड अगर होते हैं तो आप देख सकेंगे कि वो जब डीजे बजता है या बहुत जोर शोर से कोई चिल्ला रहा है या वो क्राउड में बैठा हुआ है तो वो अपनी आंखों को या कान को बंद कर देंगे देन यू कैन सी कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म हैव डिफिकल्टी इन चूइंग डिफरेंट मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स यू कैन सी हैव प्रॉब्लम विद फाइन फाइन मोटर मोटर स्किल्स, स्किल्स में सबसे बड़ी चीज ऑटिज्म माइल्ड स्टेज में अगर डायग्नोस हुआ है तो जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो टीचर्स या पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि मैम ये लिखता नहीं है लिखने में इसको प्रॉब्लम होती है या बटनिंग uh, में प्रॉब्लम होती है या कुछ भी चीज uh, काटने में इसको दिक्कत मतलब माइन्यूट माइन्यूट चीजें काटने में इसको दिक्कत होती है सो इट द फाइन मोटर पार्ट इज बीन अफेक्टेड उसके बाद आप देखेंगे कि पर्टिकुलर स्मेल पीपल को मेरे पास एक बच्चा आता था उसकी एक आदत थी वो बच्चों को सूंघता था लोगों को सूंघता था मतलब उनके पास जा जा के वो स्मेल करता था वो स्मेल से लोगों को अः पहचानता था या किसी पर्टिकुलर स्मेल से वो दूर भागता था सो दिस इज वॉट अगेन अगेन दिटरी पार्ट या जो स्मेल वाला जो पार्ट है वो हाइपर सेंसेटिव होता है देन अपने आपको ड्रेसअप करने में दिक्कत होती है अगर आपने uh, जैसे बच्चों को ऑटिस्टिक बच्चों को छोड़ दिया कि खुद से ड्रेसअप कर लो या खुद से ड्रेस सिलेक्ट कर लो दे वोट डू दैट वो नहीं करेंगे दे हैव प्रॉब्लम विद ग्रॉस मोटर स्केल्स अगेन फाइन मोटर ग्रॉस मोटर दोनों अफेक्टेड रहता है एंड उसको इन बच्चों को क्लाइंबिंग करने में सीढ़ी कुछ बच्चे होते हैं नॉट एवरी वन आई एम नॉट सेइंग कि सभी बच्चों को हो सकता है कुछ बच्चे होते जिनको ऊपर चढ़ने में नीचे उतरने में या हैवी बॉल थ्रोइंग में बॉल कैचिंग में प्रॉब्लम्स होती है दे के नॉट जज द बॉल कमिंग टूवर्ड्स देम उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ बच्चे हैं जो शूज पहनना पसंद करते हैं कुछ बच्चे हैं जो खाली पैर चलना ज्यादा पसंद करते हैं स्पेशली इन दी रॉक्स है ना देन कुछ बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक uh, आप लोगों ने कभी देखा है या नहीं आई डोंट नो अपने टिप्स पे चलते हैं टिप ऑफ में वो चलना पसंद करते हैं दे हैव एंड ओवर थिंग्स अगर मान लो uh, मम्मी के साथ चिपक के बैठे हैं या किसी के साथ चिपक के बैठे हैं तो वहीं पे लेट जाएंगे वहीं पे सो जाएंगे मीन्स दे हैव अ क्लम्जी काइंड ऑफ बिहेवियर देन लाइक टू बी स्क्ड आप उसको उनको हग नहीं कर सकते आप उनको पकड़ के आ, नहीं कर सकते जैसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना कि हमको इच्छा होती है प्यार करने की तो हम उनको आ, थोड़ा पैम्पर करते हैं उनको हक करते हैं तो आ, कुछ बच्चे होते हैं जो ये सारी चीजें पसंद नहीं करते ऑटिज्म स्पेशली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस के साथ ये बच्चे पसंद नहीं करते देन दे टैग पीछे जो टैग लगा हुआ रहता है या जो टैग्स रहते हैं कुछ बच्चे जो ऑटोस्टिक्स या हाइपर सेंसिटिव होते हैं वो um, अपने आपको uh, वो टैग्स पसंद नहीं करते हैं ओके देन देव प्रॉब्लम विद सर्टन फूड सटन टेक्सचर्स ऑफ स्मेल सो ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है ये प्रॉब्लम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में बिहेवियरल इश्यूज में हम काफी हद तक हमको मैच हो जाता है ये तो ये जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये बिहेवियर प्रॉब्लम इश्यूज बताए हैं दिस ऑल इश्यूज आर एफेक्टिंग देंसरी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ चाइल्ड आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आया होगा एंड आई uh, like है आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि बच्चे को autism spectrum की issues है या नहीं तो सबसे पहले सोशल कम्युनिकेशन चैलेंजेस बच्चा क्या सोशल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें होगी इधर द चाइल्ड विल डिफिकल्टी विद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओके स्पोकन लैंग्वेज जो रहता है अराउंड थर्ड ऑफ अ पीपल विद ऑटिज्म इज अन नॉन वर्बल आप uh, आधे से ज्यादा बच्चे जितने भी आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया है जिन्होंने भी किया है आप देखेंगे द चाइल्ड हैज ये हिस्ट्री आपको मिली होगी मैम तीन साल की उम्र तक बोलता था अचानक उसने बोलना बंद कर दिया है ना डू यू एग्री विद मी एनी तो uh,

पर्टिकुलर टॉय को अगर लेके चल रहे हैं तो उसी टॉय के साथ वो खेलना पसंद करेंगे या उसी को स्टेयर करते रहेंगे या अपने फिंगर्स को स्टेयर करते रहेंगे या अपने हाथों को स्टेयर करते रहेंगे दे विल मेक डिफरेंट उनका टोन ऑफ वॉइस जो रहेगा वो रोबोटिक टोन ऑफ वॉइस उनका रहता है देन अडिशनल सोशल चैलेंजेस में क्या क्या आएगा रिकोगनाइजिंग इमोशंस एंड इंटेंशन इन अदर्स किसी के इमोशंस के साथ उनको इतना वैल्यूएबल uh, नहीं वैल्यू नहीं देते उनको आई मीन टू से कि uh, ना उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आता है ना वो किसी और के इमोशंस को वो एक्सप्रेस uh, समझ पाते हैं है ना उसके बाद uh, कन्वर्सेशन अगर चल रहा है तो उसके बीच में आपको परेशान करेंगे या सोशल uh, सिचुएशन uh, में आपको बहुत ज्यादा एम्बेसिंग फील कराएंगे विद विदर बिहेवियर ओके देन द सेकेंड थिंग सिमटम इज रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर तो रिस्ट्रिक्टेड एंड रिपीटेटिव बिहेवियर में वो बॉडी uh, मूवमेंट भी हो सकता है या इकोलेलिया भी हो सकता है सो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज इकोलेलिया एनी वन

मम्मा चलो मम्मा चलो मम्मा चलो बेसिकली क्या होता है जब हम बच्चे को um, समझाते कि एक ही बार बोलना है अब मत बोलो तो दे स्टॉप नॉर्मली नॉर्मली चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन विल स्टॉप स्पीकिंग बट वेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ ऑटिस्टिक चिल्ड्रन तो दे विल नॉट स्टॉप इवन दो इवन दो अगेन एंड अगेन दे विल कीप ऑन से Um, चलो मम्मा चलो मम्मा चलो सो दिस इज व्हाट एन इकोलेलिया इज इकोलेलिया में यही होता है कि बच्चे कॉन्स्टेंटली एक ही चीज को बार बार रिपीट करते थे करते हैं आई हैव मेरे पास एक बच्चा है उसकी एक आदत है आई विल शो शो इट टू यू उसकी एक आदत है रिसेंटली उसको डायग्नोसिस हुआ है बिफोर वन ईयर वन ईयर पहले उसको डायग्नोसिस हुआ था उसकी जब वो बहुत एंशियस होता है या जब वो बहुत खुश होता है जब वो बहुत ही ज्यादा मतलब अंदर से खुशी रहता है तो वो क्या करता है ये दिस ऐसे बिहेवियर और एक बच्चे की आदत है ऐसे करने की So, this is what a repetitive physical behavior. अपने हाथों को कॉन्स्टेंटली हिलाना या इस टाइप के बिहेवियर मतलब ये एक बिहेवियर पैटर्न है जो कि बच्चे जब फिजिकली हम बात करें तो इस टाइप के बिहेवियर को करते हैं ओके आई एम प्रेजेंटिंग माई पीपीटी अगेन या, सो रिपीटेटिव मोशन या एक उनके पास कोई खिलौना है उनका पसंदीदा खिलौना है तो उस खिलौने को या तो वो लाइन से जमाएंगे या उसको गोल गोल घुमाते रहेंगे uh, या फिर लाइट या स्पिनिंग कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है जैसे फैन फैन घूमता है ना कॉन्स्टेंटली तो फैन को देखते रहेंगे देखते रहेंगे दे कैन स्पेंड एन आवर ऑन लुकिंग टूवर्ड्स द फैन ओके या लाइट को देखते रहेंगे या दे विल हैव अ एनी काइंड ऑफ बिहेवियर जैसे कि इसका मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेट जाना है ना या किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार जाके टच करना दो दिस आर ऑल रिपीटेटिव एंड रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर यू कैन सी इन योर किड्स विद ऑटिज्म

High, मतलब अभी भी पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है या प्रेग्नेंट मादर में किसी प्रकार का कोई सारी चीजें अगर uh, हुई है देन देयर कैन बी चांसेस विद ऑटिज्म सिमटम्स ऑफ ऑटिज्मेफिनेटली सोशल स्किल्स आर एफेक्टेड अपने नाम को बुलाने पे फर्स्ट बर्थडे जब बच्चे का आता है मतलब एक साल का बच्चा जब एक साल का हो जाता है बच्चा तो आप देखेंगे कि जब भी आप अपने बच्चे को बुलाते हैं तो वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करता है जैसे आ, अगर मान लो बच्चे का नाम सोनू है सोनू करके आप बुलाएंगे तो बच्चा तुरंत पलट के देखेगा है ना अगर एक साल का बच्चा हो गया एंड स्टिल द चाइल्ड इज नॉट रिस्पोंडिंग ऑन हिज नेम द थिंग इज टू बी कैरिड आउट ओके तब आपको थोड़ा सा uh, uh, मतलब uh, Care लेना चाहिए बच्चे का प्लेइंग खेलना चाहिए दस बच्चों के ग्रुप में खेलने की आदत होनी चाहिए शेयरिंग होना चाहिए एक दूसरे के साथ बात करने में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए अपने आप में रहना नहीं पसंद करना चाहिए मतलब ऑटिज्म के ये फीचर्स है अगर ये सारी चीजें आपको किसी बच्चे में दिख रहा है देन दार्डी डायग्नोसिस करना उसके लिए पॉसिबल रहेगा बच्चा जो सोशल uh, स्किल्स का मतलब होता है कि सी uh, ह्यूमन ंग जो है वो एक सोशल एनिमल है हम आ, हम लोगों को हम ह्यूमन बीइंग्स को ग्रुप में रहना लोगों से मिलना बहुत पसंद है है ना तो यही पे अगर आप अगर अपने बच्चे में देख रहे हैं कि ये सारी चीजें नहीं हो रही है या सोशली इंटरेक्ट नहीं हो रहा है ग्रुप में खेलना पसंद नहीं कर रहा है स्पेशली जब आप बच्चों को स्कूल में डाल रहे हैं और स्कूल में डालने के बाद आपको ये खबर मिल रही है टीचर से कंप्लेन मिल रहा है कि एक कोने में जाके बैठा रहता है या ये बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है या ये प्ले uh, ग्राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है कल्चरल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है आई नो दो साल से स्कूल्स बंद है तो बहुत सारी ऐसी चीजें आप लोगों के सामने निकल के आ सकती है तो ये सारी चीजें जो रहती है ये ऑलरे डायग्नोसिस में काम आती है सो दीज आर दिम्टम्स वेन अ चाइल्ड इज बींग कम अप विद ऑडिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर Then communication. वेरी इंपॉर्टेंट का हो गया का हो गया चार साल का हो गया बच्चा फिर भी उसके अंदर स्पीच का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो रहा है लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको समझाना चाहूंगी वन टू वन कन्वर्सेशन जैसे अगर आपने उससे पूछा बेटा आपका नाम क्या है चाइल्ड शुड एबल टू से उसको बोलते आना चाहिए मेरा नाम डैश डैश है मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ अगर आपने पूछा बेटा आपको uh, खाना पसंद आया तो he should make a sentence. है ना मुझे खाना बहुत अच्छा लगा मुझे आज मम्मा ने ऐसा किया मैंने स्कूल में आज ऐसा ऐसा किया दिस इज वॉट अ कॉन्वर्सेशन कॉल ये कन्वर्सेशन होता है अगर बच्चा चार साल या थ्री पॉइंट फाइव के एज तक भी कन्वर्सेशन नहीं कर रहा है देन डॉक्टर देन जिन बच्चों में स्पीच uh, आ जाती है ऑटोस्टिक बच्चों में तो वो किस टाइप से बोलते हैं या तो फ्लैट टोन होगा या रोबोटिक टोन होगा या uh, गाना गाते, गा, गाते हुए वो या राइम्स के तौर पर वो लोग लो बोलेंगे देन अगेन इकोलेनिया एज यू ऑल नो इकोलेलिया फेसेस किसी भी फ्रेस को एक ही बार दस बार रिपीट करना किसी भी वर्ड को रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और आ, देन uh, यहाँ पे प्रॉब्लम uh, आती है मैं आप तुम प्रोनाउंस को समझने में मतलब दे आप देखेंगे अगर आपने माइन्यूटली बच्चों को ऑब्जर्व किया कभी तो आप देखेंगे कि उनके साथ ये प्रॉब्लम आता है मैंने खाया आप मुझे दे दो ये आप मैं तुम ये सब ये लोग यूज नहीं करते मतलब प्रोनाउन दे डोंट यूज प्रोनाउन व्हेन दे हैव कन्वर्सेशन ओके देन जब भी आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बिफोर कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट होने के पहले ही आपको उनका आंसर मिल जाएगा ओके okay. कोई uh, कोई भी भी जोक्स पे या अनोइंग uh, 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 जगह पे दे विल नॉट इधर जोक्स पे वो लोग हंसेंगे नहीं या उनको हंसी बहुत रेयरली आएगी ओके सो दिस आर ऑल कम्युनिकेशन इश्यूज देन पैटर्न ऑफ बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको बताया एक और पार्ट है ऑटिस्टिक uh, बच्चों के सिम्टम्स में आता है हैंड फ्लैपिंग जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक बच्चा है मेरे पास जो बहुत ज्यादा हैंड को फ्लैप करता है या झूलता है दिन बैठा है तो झूलता रहेगा है ना या कॉन्स्टेंटली जंप करता रहेगा या फिर कांस्टेंट मूव करता रहेगा इधर से उधर या हाइपर एक्टिव बिहेवियर देगा मतलब एक ही रूम में इधर से उधर भाग रहा है इधर से उधर कूद रहा है फॉर एग्जांपल ऑटिस्टिक बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं या किसी पार्टीज में जाते हैं तो पेरेंट्स को ज्यादा एम्बेसिंग फील होता है वो एक जगह पे बैठते नहीं है कॉन्स्टेंटली ओके okay. Then, उनका अगर कोई रूटीन सेट हो गया तो उस रूटीन से हटके अगर आपने कुछ काम किया तो देवियर ह्यूज बिहेवियरल प्रॉब्लम उनके अंदर आएगी दे विल है सेंसिटिविटी टूवर्ड्स लाइट साउंड जैसे कि मैंने कहा आपको वो एक पिक्चर uh, मैंने बताया था कि ब्राइट लाइट अगर आंखों पर पड़ रही है या ब्राइट लाइट के चपेट में आ रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेंगे लाउड म्यूजिक में अपने कान बंद कर लेंगे जरा सा किसी ने उनको टच किया तो उनको बहुत हाइपर सेंसिटिव लगेगा एंड दे विल शाउट विद दैट पर्टिकुलर टच ओके फसीटिंग हैबिट्स उनके अंदर रहता है lack of coordination and clumsiness द चाइल्ड इज वेरी क्लमसी इंपल्सिव बिहेवियर मतलब बिना सोचे समझे एक्ट कर देना जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि मेरे पास एक बच्चा आता है उस जैसे उसको मैंने किसी चीज के लिए ना बोला तो उसने बिना सोचे समझे मुझे टिका दिया मैंने उसके बहुत मार खाए हैं आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ स्लैप फ्रॉम दैट किड बहुत मारा उसने मुझे बिकॉज इनिशियल लेवल पे जब वो मेरे पास आया था तो उसने उसका इम्पल्सिव बिहेवियर इतना था कि वो बिना सोचे समझे एक्ट कर देता था अग्रेशन अग्रेशन बहुत कॉमन कॉज है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कहीं भी लेट जाएंगे अगर आपने मना कर दिया ये नहीं मिलेगा तो लेट के हंगामा कर देंगे अटेंशन स्पैन उनका अटेंशन इतना शॉर्ट रहता है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ओके सो दिस आर द स्पॉटिंग साइंस एंड सिम्टम इमिडिएटली कैसे आपको जस्टिफाई करना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है या नहीं छह मह मह महीने तक अगर बच्चा नहीं हंसा स्माइल सोशल स्माइल नहीं आया इमिटेट फेशियल एक्सप्रेशन अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन को इमिटेट नहीं कर पा रहा है अगर आप खुश है तो वो भी खुश हो रहा है अगर ये सारी चीज अगर आप दुखी हैं या आप गुस्से में हैं, अगर वो ये सारी चीजें नाइन मंथ्स तक भी नहीं कर पा रहा है देन इट इज टू बी नोटिफाइड कूस एंड बैबल्स कू टाइप के अगर कूंग और बैबलिंग अगर वो ट्वेल्व मंथ तक नहीं कर रहा है Pointing, मुझे वो चाहिए आ, बाई बाई करना ये सब अगर वो तक तक नहीं नहीं कर रहा रहा है है बोल या दो फ्रेसेस दो वर्ड्स या फ्रेसेस ट्वेंटी फोर मंथ तक नहीं बोल रहा है मतलब इट मीन स्पीच डिले है या लैंग्वेज डिले है देन इट इज टू बी नोटिफाई देन प्रिटेंड प्ले 18 मंथ्स के बच्चे प्ले करते हैं प्रिटेंट प्ले उनके अंदर होता है जैसे प्ले प्ले रोल रोल मॉडल जिसको हम कहते हैं टीचर का रोल प्ले करना मम्मी का रोल प्ले करना पापा का रोल प्ले करना ये सारी चीजें अगर वो 18 मंथ्स तक नहीं कर रहा है देन इट इज टू बी नोटिफाइड अदर सिम्टम्स हाइपर एक्टिविटी ये सारी चीजें जो है ये और भी सिम्टम्स है स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस एज यू ऑल नो हमारे साइकोलॉजिस्ट हमारे जो डेवलपमेंटल न्यूरोलॉजिस्ट जो है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोसिस करते हैं ओटिस्ट कैन ऑल्सो मेक अ डायग्नोसिस ना तो यहाँ पे डिफरेंट स्क्रीनिंग होती है जो कि बच्चों के डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग किया जाता है डायग्नोस्टिक कम्प्रेहेंसिव किया जाता है देन द चाइल्ड इज टू सेंड टू डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिशियन देन द विल सेंड टू अ चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट एंड देन टू अ साइकोलॉजिस्ट देन ये सारे स्क्रीनिंग टूल्स है जो कि किया जाता है बच्चों के इवेल्युएशन के साथ मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट में डॉक्टर्स प्रोवाइड विद सम मेडिसिन जो कि इनको दिया जाता है विथ हमारा रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या क्या होता है सबसे सब पहले ऑक्यूपेशनल में हम प्लानिंग करते हैं बच्चे को कैसे फोकस करना, करना, करना है उसके बाद हम उसका इंटरवेंशन बनाते हैं इंटरवेंशन मीन्स इसका प्रो, प्रो, प्रोटोकॉल हम बनाते हैं उसके बाद प्लानिंग जो है उसका तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं गोल सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हमारा प्रायोरिटी मेन प्रायोरिटीज क्या क्या है शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स या लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है उसके बाद हम टाइप uh, ऑफ कौन कौन से सर्विसेज़ बच्चों को प्रोवाइड करना है उसके बाद हमारे इंटरवेंशन के कौन कौन से आइडियाज़ के साथ हमको कम अप करना है ओके okay. बच्चे को बेनिफिट क्या क्या मिलेगा ऑक्यूपेशनल लेने के बाद तो डेफिनेटली बच्चों में एक जो सिम्टम्स हमने आपको अर्लियर मैंने आपको बताया जैसे कि कम्युनिकेशन हुआ स्पीच हुआ देन सोशल इंट्रैक्शन हुआ उसके बाद ग्रॉस मोटर हुआ फाइन मोटर हुआ और सबसे बड़ी चीज सेंसरी इश्यूज जो जो है जैसे कि टच सेंसेशन लाइट नॉइज वेस्टिबुलर प्रोप्रियोसेप्टिव इंट्रोसेप्शन ये सारे सेंसरी सेंसरी सिस्टम को हम टेक uh, केयर करते हैं वी टेक केयर वी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्पेशली गो विद द सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी तो हम इन सारे एरियाज पे फोकस करके हम उनके साथ वर्कआउट uh, करते हैं तो हमारे ओटी लेने के बाद एट द एंड ऑफ द रिजल्ट क्या क्या मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चाइल्ड हाइपर एक्टिव है तो

फिर उसको अपने आप को कैसे ध्यान रखना है अपना कैसे टेक केयर करना है मुझे ये पहनना है मुझे वो करना है अपने बारे में वो समझने के उसके अंदर क्षमता आएगी उसके बाद उसका एकेडमिक पार्ट एनहस होगा ओके okay. तो अब मैं आपसे थोड़ा सा सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में बात करूंगी जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में uh, करते हैं तो हमारे ऑक्यूपेशनल इंटीग्रेशन थेरेपी एसआई थेरेपी के लिए हम रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि हम यूज करने के लिए एप्लीकेबल है uh, तो एरिस ने नाइनटीन में सेंसरी इंटीग्रेशन को डिफाइन करते हुए बोला था कि न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है ये और जिससे कि हम हमारे सेंसेस को हमारी बॉडी को हमारे वी कैन फॉर्म वंस ओन बॉडी एंड फॉर्म द एनवायरनमेंट एंड मेक इट पॉसिबल हम सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू हमारे बॉडी को एक एक लेवल पे लाके खड़ा करते हैं और हम हमारे एनवायरनमेंट के साथ मैचअप करके हम आगे इफेक्टिवली uh, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एरियस uh, ने ये 1972 में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी को डेवलप uh, किया था और इससे uh, हम इस सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज में किन किन चीजों पे थ्योरी किस पे फोकस किया जाता है बेसिकली वेस्टिबुलर वेस्टिबुलर में फोकस किया जाता है प्रोप्रियोसेप्टिव में और टेक्टाइल सिस्टम टेक्टाइल मतलब हमारा टच टच वाला वेस्टिबुलर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव तो इन तीनों चीजों पे हम बेसिकली फोकस करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन थ्योरी क्या है ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप तो इसका रिलेशनशिप कहाँ से होता है ब्रेन से ब्रेन को हम जब एक्टिवेट करेंगे ब्रेन को जब हम नॉर्मलाइज करेंगे या एक फोकसड uh, करेंगे तो डेफिनेटली बिहेवियर में चेंजेस आएगा ओके okay. तो व्हाट इज ऑटिज्म ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्या है बिहेवियरल इश्यूज uh, है बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं दैट इज ऑटिज्म तो जब इट इज एसआई आई ऑन ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जैसे ये दोनों एक तालमेल करके चलेगा तो डेफिनेटली बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा देन ऐसा uh, थ्योरी जो रहता है ये क्या तीन चीजों पे फोकस करता है सबसे पहला एक्सप्लेन हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि बच्चा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है पर्टिकुलरली uh, उसका बिहेवियर ऐसा है क्यों वो लाइट को देख के आखिर बंद करता है क्यों वो ग्रुप में जाता है तो अपने आप को अकेला महसूस करता है क्यों वो अः लाउड नॉइस पे लाउड म्यूजिक पे अपनी कानों को बंद करता है सो वी हैव टू एक्सप्लेन टू पेरेंट्स हमको हमारे माता पिता को इसके बारे में बताना पड़ता है उसके बाद हम प्लान करेंगे हम हम करने के बाद हम प्लान करेंगे कि हमारा इंटरवेंशन प्लान क्या होगा उसके बाद हम प्रिडिक्ट करेंगे कि आ, बिहेवियर में कहाँ कहाँ हमारे इंटरवेंशन हमने जो प्लान किया है हमने जो प्रोटोकॉल डिजाइन किया है उससे हमारे बच्चे को कितना और कौन कौन से एरियाज में फायदा मिला है ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ओके सो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपीज जो रहता है, okay. so, uh, है, है. Uh, इसमें हम डीप प्रेशर देते हैं ब्रशिंग वेस्ट वेटेड वेस्ट देते हैं एंड स्विंग स्विमिंग मोस्ट प्रोबली हम बच्चे को अप्लाई uh, करने की Uh, कोशिश करते हैं तो दिस आर द पार्ट वेयर वी हैव थेरेपीज़ में हम इंक्लूड करते हैं तो so, अब मैं आपको थोड़ा सेंसरी पाथ पे फोकस कराना चाहूंगी सेंसरी इंफॉर्मेशन जो रहता है वो हमारे सेंसेस से हमको मिलता है जैसे कि साइट यानी विजन हियरिंग यानी ऑडिटरी सिस्टम टच यानी टेस्टरी सिस्टम टेस्ट यानी सिस्टम स्मेल यानी ऑयल फैक्ट्री सिस्टम प्रोप्रियोसेप्शन व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का अवेयरनेस अगर मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे पता है कि मेरे पैर दोनों फोल्ड है और मैं एक बेड के ऊपर बैठी हूँ या चेयर के ऊपर बैठी हूँ सो आई हैव सेंस ऑफ माई बॉडी ओके दिस इज प्रोप्रियोसेप्शन उसके बाद होता है वेस्टिबुलर अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन मुझे अगर मान लो पहाड़ पे चढ़ना है तो मेरा वेस्टिबुलर सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए मुझे अगर उबड़ खाबड़ रास्ते में प्रॉपर अपने आप को बैलेंस करके चलना है तो माय वेस्टिबुलर सिस्टम शुड बी प्रॉपर तभी मैं बैलेंस करके चल पाऊंगी या मेरा पैरों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए है ना सो दिस इज अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज वेस्टिबुलर इंट्रोसेप्शन इंट्रोसेप्शन का मतलब होता है कि मुझे अगर भूख लगी है मुझे प्यास लगी है मुझे अगर वॉशरूम जाना है तो मुझे पता है कि मेरे ये नीड्स है ये मेरे जनरल नीड्स है तो मेरे अपने आप मेरे ब्रेन तक वो बात पहुंच जाएगी मुझे भूख लगी है तो मैं किचन में जाके कुछ भी ले लूंगी मुझे प्यास लगी है तो मैं बॉटल उठा के पानी पी लूंगी पर जिन बच्चों में इंट्रोसेप्शन वाला पार्ट सेंसरी पार्ट अगर डेवलप नहीं हुआ होता है या एनहस नहीं हुआ होता है तो उन ऑटिसम बच्चों को प्रॉपर Uh, भूख लगना नहीं बता पाते हैं वॉशरूम जाने के लिए अपने आप को मम्मी पापा को नहीं बता पाते कुछ बच्चे आपने अगर देखे हैं तो आप देखेंगे कि मम्मी टाइम टू टाइम उनको वॉशरूम ले जाती है बिकॉज दे आर अनेबल टू गिव देर इंटरनल सेंसरी सिस्टम अपने बॉडी के अंदर उनके क्या हो रहा है वो नहीं बता पाते दिस इज इंट्रोसेप्शन नाउ सेंसरी रूम सेंसरी रूम क्या होता है जब हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी देते हैं तो हम इन सारे सेंसेस को मतलब विजन विजन हियरिंग टच टेस्ट स्मेल इन सारे uh, सेंसरी सिस्टम को सेंसरी चीजों को मद्देनजर रख के हमारा सेंसरी रूम इसी तरीके से बनाते हैं एक छोटे से रूम में जहां पे ये सारे सेंसेस को एनहांसमेंट मिले सो सेंसरी रूम में जो भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वहां पे हम ऐसा एक डार्क रूम रहता है वहां पे विजुअल लाइट्स रहते हैं ऑडिटरी एक रूम रहता है वहां पे इनको प्रॉपर तरीके से टेक्सटाइल बहुत सारी चीजें रहती है और गेस्टरी रहती है तो इन सारे सेंसरी सिस्टम को मद्देनजर रख के ये डिजाइन किया जाता है ओके सो सेंसरी इंटीग्रेशन में हम इन सारे एरियाज़ पे फोकस करते हैं जैसे कि टेक्टाइल uh, साइट साउंड टेस्ट स्मेल टच बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर तो प्रोप्रियोसेप्शन को एनहैंस करने के लिए बहुत सारे प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज होती है जो कि हम बच्चे को करवाते हैं बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे वेस्टिबुलर एक थेरेपी बॉल होता है जिसको हम जिम बॉल बोलते हैं तो जिम बॉल के अंदर हमको हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस करना है तो एक प्रॉपर टेक्निक है जिसके थ्रू हम हाइपर एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं अगर बच्चा हाइपो एक्टिव है बिल्कुल एक्टिव नहीं है तो उसके और एक और दूसरा टेक्निक होता है जिस बॉल के ऊपर जिससे हम बच्चे को हाइपो से थो, आ, थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकते हैं और बच्चे को हम वो टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं सो ऑटिज्म एंड सेंसरी इंटीग्रेशन तो ऑटिज्म और सेंसरी इंटीग्रेशन का क्या रिलेशनशिप है सो so, ऑटिज्म uh, जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा कि सेंसरी प्रोसेसिंग सेंसेशन को प्रोसेस करने में जहां पे तकलीफ होती है वहां पे हम आ, यूज क्या करते हैं सेंसरी इंटीग्रेशन टेक्निक या प्रिंसिपल को यूज करते हैं ताकि हमारा लॉजिकल ट्रीटमेंट चॉइस निकल के आए अगर मान लो बच्चे को वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम है तो हम वेस्टिबुलर पार्ट को कैसे एनहेंस करना है वो हम सोचेंगे ना कि हम उसके दूसरे एस्पेक्ट पे वर्क करेंगे ओके सो ऐसा ही सेंसर इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट से बच्चे के अंदर डायग्नोसिस में और उससे उसको डॉक्यूमेंटेशन में काफी इंप्रूवमेंट आएगा एरिस ने 1971 में आइडेंटिफाई किया द डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड फिर उसने एड्रेस किया कि सेंसरी इंटीग्रेशन नाम की एक थेरेपी होती है जो कि ऑटिज्म बच्चों को आ, दिया जा सकता है इसमें हम इंक्लूड क्या क्या करेंगे इसमें हम इंक्लूड करेंगे सेंसरी रजिस्ट्रेशन ओके। उसके बाद सेंसरी मॉड्यूलेशन डेफिसिएट उसके बाद पुअर इनिशिएशन, पुअर मोटर प्लानिंग पुअर आइडिएशन एंड पुअर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो सेंसरी इंटीग्रेशन में ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज सेंसरी रजिस्ट्रेशन एंड मॉड्यूलेशन तो सेंसरी रजिस्ट्रेशन एंड मॉड्यूलेशन डेफिशिएट इफेक्ट चाइल्ड्स लेवल ऑफ अराउजल अगर मान लो सेंसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है आप कितने अराउजल uh, है आप कितने अटेंटिव है आपका कितना अटेंशन है अगर मैं अगर बस में चल रही हूं और एकदम से ब्रेक लगा दिया तो मैं क्या करूंगी व्हाट विल आई डू आई विल प्रोटेक्ट मायसेल्फ है ना मैं अराउजल हूँ मैं अटेंटिव हूँ ऐसा तो नहीं कि बस मैं ब्रेक लगा और मैं गिर गई है ना वो तभी होगा जब मैं नहीं रहूंगी सो सेंसरी मॉड्यूलेशन एंड रजिस्ट्रेशन जिन बच्चों में ऑटिस्टिक बच्चों में नहीं होता है तो वो बच्चा अराउजल उनका लेवल ऑफ अराउजल प्रॉपर नहीं रहता है एंड द चाइल्ड इज नॉट अटेंटिव वो अटेंटिव नहीं रहता है जिसकी वजह से उसका कहां पे पड़ता है उसके डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड पर्पसफुल इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट एंड पीपल वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्टिकुलर लोगों के साथ प्रॉपरली पर्पसफुल इंटरेक्शन नहीं कर पाता है देन ऐसा ट्रीटमेंट मेथड्स जो रहते हैं वो इफेक्ट करता है इन इंक्रीजिंग आई कॉन्टेक्ट तो यहाँ पे हम बच्चे के आई कांटेक्ट पे फोकस करेंगे उसके वोकलाइजेशन पे फोकस करेंगे उसके सोशल इंटरेक्शन और अटेंशन पे हम फोकस करेंगे और उसका जो बिहेवियर जो प्रॉपर नहीं है उस बिहेवियर को हम पर्पसफुल बिहेवियर बनाएंगे ओके okay, उस पर फोकस करेंगे आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है देन पुअर इन अटें इन अटेंशन पुअर इन अटेंशन इज वॉट इट इज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म व्यू मोटर केपेबलिटीज जितने भी हमारी बॉडी में मोटर पार्ट होता है जैसे ग्रॉस मोटर, मोटर हुआ उसके थ्रू हमको कैसे पर्पफुलना है जैसे कि आ, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है एक्सेसिव एनर्जी होती है तो हमको उस एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करना है थ्रू आवर मोटर थ्रू आवर दिस है ना एस आई को लगाते हुए उसकी हाइपर एक्टिविटी को जो एनर्जी लेवल हाई है उसको मद्देनजर रख के उसको कितन, कैसे पर्पजफुल लेवल uh, पे अप्लाई करना है वो हमको uh, देखना पड़ेगा में मतलब हमको यहाँ पे ये भी देख हेल्प uh, करेगा हमको यहाँ पे ये भी uh, देखना है कि हम डिफरेंट टॉयज के साथ या डिफरेंट गेम्स के साथ uh, हमारे जो अम्म uh, एक्टिविटीज है उसके साथ हम कितना अट्रैक्टिवली बच्चे को उनकी अः चीजों के साथ कितना हम पर्पसफुल बना रहे हैं और कितना इंट्रेक्टिव बना रहे हैं उसका अः जो सेशन हमारा हमने प्लान आउट किया है

और डेफिनेटली अफेक्टेड रहेगा यहाँ पे तो जिसकी वजह से बच्चा मोटर प्लान नहीं कर पाएगा सो so यहाँ पे चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर ऑफन डिस्क्राइब एज हैविंग डिफिकल्टी इन इमिटेट इमिटेटिंग एंड प्लानिंग सिंपल मोटर एक्शन वो uh, जैसे कि हम ब्रेन जिम एक्टिविटी सिखाते हैं हम डांस uh, एक्टिविटी uh, सिखाते हैं हम हमारे uh, प्रोग्राम में जैसे uh, आई यूज टू डू कि हाथ को ऊपर ले जाओ पैर को ऊपर ले जाओ या बॉल को थ्रो करो तो अगर उसका बॉडी अपनी बॉडी का पर, परसेप्शन प्रॉपर नहीं होगा या उसका बॉडी स्कीम स्किम, स्किम अ, इमेज प्रॉपर नहीं होगा तो वो मोटर एक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा या मोटर एक्शन को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा सो दैट इज वाई हैव अ पुअर मोटर

उनका कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड रहेगा ओके एंड द सेकेंड वन इज पुअर सेंसरी रजिस्ट्रेशन जो कि एफेक्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है व्हाई क्यों टाइम लगता है किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखाने में बिकॉज दे हैव तो यहाँ पे आपको क्या करना है सेंसरी रजिस्ट्रेशन uh, uh, को या सेंसरी पार्ट को एनहैंस करने का मेन uh, काम आपका यहाँ पे होगा तभी उनके अंदर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्रॉपर और प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होगा

सीआर टी एस कोगनेटिव रेमेडियल ट्रेनिंग पे फोकस हम करेंगे जिससे कि बच्चे का कागोनेटिव पार्ट एनहेंस हो वी विल प्रोवाइड सर्टन मेमोरी गेम्स, वी विल गोवाइड सर्टन एक्टिविटीजिव पार्ट को एनहेंस करे और, और इसकी वजह से उनका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पार्ट जो रहता है वो uh, निखर के नहीं आता है सो देव अ प्रॉब्लम विद इकोलेरिया तो इकोलेरिया e को अगर आपको ठीक करना है अगर आपको इक्वल एलिया वाला पार्ट अगर खत्म करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन वाला पार्ट मोटर प्लानिंग स्किल्स जो रहता है इट इट बाय एंड जिसकी वजह से उनका मोटर प्लानिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है एंड आइडिएशनल डेफिशियट आपको यहाँ पे लैकिंग uh, मिलता है ओके सो यहाँ पे आपको क्या करना है यू हैव टू उ एक्टिविटी या प्ले एक्टिविटीविटी so uh, जब बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव हो रहा है अग्रेशन हो रहा है तो दिस एक्टिविटी दिस बॉलपूल इज एन बेटर वे यहाँ पे आप उन बच्चों को यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए आप इसमें दे सकते हैं ये सेंसरी टेक्निक है जो कि मैं आपको बता रही थी वेस्टिबुलर ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें वेस्टिबुलर सिस्टम को एनहांस करेगा सेकंड पार्ट जो है सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं बच्चे को हमने टाइटली डीप प्रेशर दे रहे हैं ताकि उसका सेंसरी जो टेक्टाइल सिस्टम है उसको हम एनहांस कर सके देन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमको इसके ब्रेन के प्रोसेस को प्रॉपर एक्टिवेट करना पड़ेगा और उनके सेंसरी इंफॉर्मेशन को हमको प्रॉपर एक्टिवेट करना पड़ेगा थ्रू डेली एक्टिविटीज सो कौन कौन से डेली एक्टिविटीज जैसे कि स्विंग इनमोक जैसे कि ये फ्रंट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये हेमॉक है हेमॉक एक इसमें आप स्विंग करा सकते हैं बच्चे को अः जिससे कि बच्चे का क्या एनहस होगा मूवमेंट थ्रू स्पेस ओके तो स्विमिंग इन हेमॉक में आप स्पेस के थ्रू कैसे मूव करना है वो आपको पता चलेगा डांसिंग टू अ म्यूजिक साउंड को एनहस करेगा प्लेइंग आई मीन टेक्टाइल सेंसेशन क्रॉलिंग थ्रू अ टनल द टच एंड मूवमेंट थ्रू स्पेस देन हिटिंग स्विंग बॉल विल एनहस आई हेंड कोशन बैलेंसिंग ऑन अम विस द बैलेंस ओके सो प्ले बेनिफ प्ले थेरेपी इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आप डिफरेंट प्ले थेरेपी सेशन आप ले सकते हैं जब आपका बच्चा ऑटिस्टिक ऑटिज्म से डायग्नोस हुआ है एंड दिस प्ले थेरेपी इज ऑल्सो कॉल्ड एस फ्लोर टाइम थेरेपी यहाँ पे प्ले बेस्ट थेरेपी जो रहता है इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है

डिफरेंट प्लेट थेरेपीज आप यूज करते कर सकते हैं जैसे कि आ, अगर बच्चे को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा है तो आप क्ले थेरेपीज uh, यूज कर सकते हैं आप ड्राइंग यूज कर सकते हैं ड्राइंग इन डिफरेंट टेक्सचर्स आप टेक्सचर्स के ऊपर डिफरेंट ड्राइंग एक्टिविटीज आप एनहेंस कर सकते हैं आप अगर फिंगर पेंटिंग करा सकते हैं जस्ट टू मेक देयर इमोशन इंटीग्रेट इमोशन को इंटीग्रेट करना है या उनको हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन वाला कोई पैटर्न uh, आपको फॉलो करना है तो फिंगर पेंटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू

अब मैं प्रतिभागियों से प्रश्न आमंत्रित करता हूं कि मैम के प्रेजेंटेशन से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष रखे एक प्रश्न आया है मैम मैं पढ़ के आपके समक्ष रख देना चाहूंगा रिप्यूटेशनल बिहेवियर को कम करने के लिए भी पूछ रहे हैं कि क्या करें रिप्यूटेशनल बिहेवियर किस चीज का है फिजिकल है या कम्युनिकेशन रिप्यूटेशन है कम्युनिकेशन माइक का सभी काम है प्लीज आप बोल दे जी सब बंद कम्युनिकेशनल कम्युनिकेशन ओके यस मैम ओके सो रिपीटेटिव कम्युनिकेशन बिहेवियर को आप रोकने के लिए वी कैन यूज सर्टन ओरोमोटर टेक्निक्स ओरोमोटर टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं वहां पे और आ, आ, इकोलेलिया को आप एबीए थेरेपी भी वहां पे यूज कर सकते you, जिससे बच्चे का जो इकोलेलिया वाला जो इश्यू है वो आ, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा व्हाट आई बेसिकली डू इज आई फोकस ऑन ओरोमोटर एक्सरसाइज एंड ओरो टेक्निक फॉर इकोलेलिया Thank you ma'am आई होप आप लोगों को समझ में आया है जो मैंने प्रेजेंट करना चाहा है एंड गर्भित मैम और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे हमारे जितने भी प्रतिभागी आज बीच जुड़े थे सभी ने आपके मनोभावों को विस्तृत रूप में सीखा समझा और जाना है अब मैं कार्यक्रम की अगली गति पे बढ़ते हुए श्री अमित कुमार सर को साधना प्रतित करता हूँ कि सर आप आए और मैम का धन्यवाद ज्ञापन कर जितने भी हमारे प्रतिभागी हमारे बीच में जुड़े रहे सभी का धन्यवाद ज्ञापन श्री अमित thank you sir. Uh, uh, first of all I want to thanks HOD uh, Institute uh, therapeutic intervention for children with autism spectrum disorder के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा चैट बॉक्स कम्पलीट फील है मैडम के तारीफ से और मैडम के प्रजेंटेश को सुनकर के लोग अपना जो भाव व्यक्त किए हैं वो मैसेज बॉक्स में दिख रहा है तो इसके लिए मैम को बहुत-बहुत धन्यवाद सीआरसी टीम के, तरफ से, हमारे निदेशक के तरफ से, हमारे, हमारे आपने आज हमारे बीच अपना प्रेजेंटेशन रखा थैंक यू सो मच साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान नई दिल्ली के निदेशक महोदय डॉक्टर हिमांशु दास सर का जिनके मार्गदर्शन से हम यह कार्यक्रम कर पाए साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय श्री रमेश कुमार पांडे सर का जिनके मार्गदर्शन से हम निरंतर इस तरह के प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑफलाइन रेगुलर प्रोग्राम डिसेबिलिटी पे करते आए हैं साथ ही uh, मैं सर एक मिनट समी समी सम क्वेश्चन मैम जब एक वुमेन प्रेग्नेंट है तो क्या उस टाइम पे ऑटोस्टिक डायग्नोसिस हो सकता है नो ऑटिज्म को मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऑटिज्म डायग्नोसिस होता है एट टू टू थ्री इयर्स के एज में और अगर अर्ली डायग्नोसिस हो रहा है तो वो एटीन मंथ्स में बच्चा जब हो पैदा हुआ है उसके एटीन मंथ्स में डायग्नोसिस uh, हो सकता है बट वेन वुमेन इज प्रेग्नेंट तब कोई डायग्नोसिस नहीं हो पाएगा यस सर यू कैन कंटिन्यू थैंक यू सो मच मैम आपने क्वेश्चन को पढ़ा और धन्यवाद दिया और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन की अगली कड़ी में मैं थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे आज के सभी पार्टिसिपेंट्स का जो जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स पेरेंट्स और हमारे साथ जुड़े हैं जिनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम पूर्ण हो पाया थैंक यू ऑल ऑफ यू साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे एस के सारे टीम में आई टी टीम हमारे एक सभी कोऑर्डिनेटर्स का जो हमारे प्रोग्राम्स करने में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमारा साथ दिए हैं थैंक यू ऑल ऑफ यू मैम थैंक यू सो मच सीआरसी टीम की तरफ से थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रेजेंटेशन थैंक्स ऑल ऑफ यू नागेश सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आज हमारे सभी प्रतिभागियों ने इस विषय से संबंधित वैशिष्टता को जाना समझा और निश्चित ही उससे परिचित हुए पुनः हमें डॉक्टर पायल मुखर्जी मैम को सादर धन्यवाद करते हुए